दोस्तों, तुम लोग अपनी रोज की जिंदगी में तरह तरह की चीजों को देखते हो ना, लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया है ये चीजें किस तरह के आकार प्रकार की हैं? नहीं दिया ना? ये चीजें तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कुछ चीजें गोल हैं, कुछ चौकोर हैं, कुछ तिकोनी हैं। होती है ना तरह तरह के आकार की। आज हम तुम लोगों को चौकोर आकार की चीजों के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है? ठीक है ना? और तुम्हारे एक तरह के कुछ दोस्त आज हमारे साथ आए हुए हैं। ये दोनों लोग, इनके साथ मिलकर आज हम चौकोर आकार की चीजों के बारे में कुछ सीखेंगे, ठीक है? तो बेटा, तुम दोनों लोग जब स्कूल जाते हो तो कभी ध्यान से देखा है कि स्कूल में जो चारों तरह की चीजें होती हैं वो किस तरह की चीजें होती हैं? दीदी, हम लोगों ने तो कभी ध्यान ही नहीं नहीं दिया। दिया, कभी ध्यान से नहीं देखा? कुछ स्कूल जाते हो तो कॉपी होती है, किताबें होती हैं, चौक का डिब्बा होता है, खाना जिसमें ले आते हो खाने का डिब्बा होता है, और तुम लोगों का पेंसिल वगैरह रखने का डिब्बा होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं एक तरह एक अलग तरह के आकार की सब होती हैं, लेकिन तुम लोगों कभी ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं दी। लेकिन एक चीज होती है, सब चीजें चौकोर होती हैं। चौकोर होती हैं, चार समभुजाएं होती हैं, ये सारी चीजें चौकोर होती हैं। तो चौकोर चीजें भी दो तरह की होती हैं, एक होता है घन और एक होता है घनाभ। तो आज तुम लोगों को हम घन और घनाभ के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग तुमको बताते हैं घनाभ क्या होता है, ठीक है? इस आकृति में ध्यान से देखो, ये एक घनाभ की आकृति है, ठीक है? इसमें तुम देख रहे होगे ध्यान से, ये ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, ये सी है और ये डी है। ये घनाभ के क्या होते हैं? कोने होते हैं। ये कोने होते हैं, इन कोनों को हम शीश कहते हैं, कोनों को शीश कहते हैं। तो इस तरह से इसमें देखो कितने शीश दिख रहे हैं, ए बी सी डी, और ये ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। टोटल में कुल मिला के इसमें आपको आठ शीश दिख रहे हैं। कितने शीश दिख रहे आठ हैं? आठ शीश, शीश। ठीक है ना? इसके बाद तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा, इसमें ये सीधी रेखा दिखती है, हाँ दीदी। ये AD एक सीधी रेखा है हाँ दीदी। और ये BC एक सीधी रेखा है। हाँ दीदी। तो ये सीधी रेखाओं को हम कोर कहते हैं, सीधी रेखाओं को कोर कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम गिने तो हम देखेंगे घनाभ में कितनी कोरे होती हैं। AD एक कोर है, BC एक कोर है, एक कोर AB है, एक कोर ये DC है, चार कोर हो गई, हाँ ठीक दीदी। है? एक कोर ये B B डैश है, एक कोरिया सी सी डैश है, कितनी हुई? छह हुई। हाँ दीदी। एक कोरिया बी डैश सी डैश है, सात हो गई। सी और डी एक कोर है, आठ। डी और डी डैश एक कोर है, नौ। डी डैश सी डैश एक कोर है, 10। और सी डैश 11, और ए डैश 12। तो इस तरह से तुम देखोगे एक घनाभ में 12 कोरे होती हैं। एक घनाभ में कितनी कोरे होती हैं? 12। 12 कोरे होती हैं। और इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे, इतना पूरा हिस्सा जो देख रहे हो उसमें, यानी कि बी सी सी डैश और बी डैश, इतना पूरा हिस्सा इसको हम फलक कहते हैं। इतने पूरे हिस्से को हम घनाभ का फलक कहते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम कभी इसको सोचो कि इसमें कितने फलक होते हैं। इसमें ए डी सी बी, ये चारों मिला के एक फलक बनाते हैं। बी सी सी डैश बी डैश मिलके दूसरा फलक बनाते हैं, ठीक है? और सी डी डी डैश और सी डैश तीसरा फलक बनाते हैं। और इनकी दूसरी तरफ यानी कि ए ए डैश बी बी डैश, ये एक फलक है। बी डैश ए डैश डी डैश सी डैश, ये एक फलक है। और ए ए डैश डी डैश और डी, ये एक फलक है। तो कुल मिला के इसमें छह फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? छह छह फलक फलक। होते हैं, है ना? अब तुमको हम एक चीज दिखाते हैं। ये डिब्बा देख रहे हो, हाँ दीदी। ये चौक का डिब्बा है। तुम्हारे स्कूलों में होता है ना चौक का डिब्बा, इसमें चौक हाँ रखते दीदी। हैं, हाँ है ना? दीदी। ये घनाभ है, ये घनाभ है। अब तुम लोग मुझे बताओ इसमें कितने शीश हैं? दीदी, इसमें 8 शीट्स हैं। बहुत सही बताया, इसमें कितने शीश हैं? आठ शीट आठ है। शीश हैं, ठीक है? तो एक घनाभ में कितने शीश होते हैं? आठ आठ शीश शीश। होते हैं। और इसकी कोरे,
अनुषा तुम बताओ इसकी कोरें कितनी होती है? 12 कोरें। हाँ, इसमें 12 कोरे होती हैं। ठीक है, फलक कितने फलक हैं इसमें? 6 फलक। एक इधर से है, एक इधर से, 2 हो गए, एक ये और एक ये, 4, एक ये और एक ये, कुल मिला के इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से आ गया दीदी। आ गया, ठीक है। एक चीज और ध्यान देने वाली है, इसके फलक आयताकार होते हैं। दीदी, ये आयता क्या क्या होता है? आयत एक तरह की आकृति होती है जिसमें इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, लेकिन अगल बगल की भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। ठीक है, मतलब तुम कह सकते हो इसकी भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, लेकिन अगल बगल की भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो तुम देखोगे इसमें ये आमने सामने की भुजाएं तो समान है। आमने सामने की भुजाएं क्या है? ये तो समान है, लेकिन ये अगल बगल की जो भुजाएं हैं, ये और ये दोनों अलग अलग है। छोटी बड़ी लग रही है, नहीं लग रही है? हाँ, तो इस तरह की आकृति को आयताकार कहते हैं। ठीक है, तो इसके फलक कैसे हैं? ये आयताकार हैं। ठीक है, और तुम मुझे कुछ चीजें तुम लोगों को दिखाते हैं, जैसे तुम लोग रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, जैसे ये तुम लोग का पेंसिल बॉक्स, ये किस आकार में है? घनाभ के शेप में है। ठीक है, घनाभ का आकार है। और ये अगरबत्ती का डिब्बा है, ये भी घनाभ है दीदी। हाँ, ये भी घनाभ है। ठीक है, आगे समझ में? किताबें, या तुम्हारा ये भी तुमको पेंसिल रखने का डिब्बा है? हाँ दीदी। अच्छा है, हाँ दीदी। है ना, ये भी किस आकार में है? घनाभ के आकार में। इसमें कितनी कोरे होगी दीदी? 12 कोरे। 12 कोरे, बहुत सही बताया। किताबें, और तुम लोग पेपर वेट जानते हो? नहीं दीदी, पेपर वेट नहीं जानते हो? पेपर वेट होता है जो कागज वगैरह घर में होते हैं, उड़ जाते हैं, उनको रखने की चीज होती है, उनको दबाने की के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पेपर वेट कहते हैं। ठीक है, इसका बताओ आकार कैसा है? ये घनाभ की तरह है। हाँ, ये भी घनाभ है, सही बताया तुम लोगों ने। साबुन, नहाने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हो? हाँ, तो कुछ साबुन भी घनाभ के आकार के होते हैं। हाँ, दीदी। होते हैं ना। हाँ। अब तुम लोग जो घनाभ के बारे में समझ में आ गया। हाँ, अब तुम लोग को हम बताते हैं घन क्या होता है। अब देखो तुम लोग इसमें एक और तरह की आकृति तुम लोग को दिखाते हैं। एक चीज पहले बता दें तुम लोग को, घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष तथा 12 कोरे होती हैं। घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम लोगों को हम घन के बारे में बताएंगे। इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें लगेगा सारी भुजाएं लगभग समान हैं, है ना। हाँ दीदी। और इसमें भी 12 कोरे होती हैं, और 8 शीर्ष होते हैं, और 6 फलक होते हैं। दीदी, ये कैसे हो सकता है? तो फिर घनाभ और घन में अंतर क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। इसमें भी अगर 6 फलक हैं और 12 कोरे हैं और 8 शीर्ष हैं, और घनाभ में भी 12 कोरे और 8 शीर्ष और 6 फलक हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? इसके फलक कैसे होते हैं? इसके फलक वर्गाकार होते हैं। आप देख रहे हो वर्गाकार क्या होता है? वर्गाकार वो आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं, और अगल बगल की भुजाएं भी समान होती हैं, उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये और ये आमने सामने की समान है, और ये अगल बगल की भी समान होती है। तो इसके जो फलक होते हैं ये वर्गाकार होते हैं। घन और घनाभ में अंतर इतना है कि घन के फलक वर्गाकार होते हैं और घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। ठीक है, अब तुम लोग को ये दिखाते हैं। देखो, ये बच्चों का खेल है और बच्चे खूब बहुत मजे से खेलते हैं। तुम लोग भी खेलते हो? हाँ दीदी। खेला है, लेकिन कभी सोचा नहीं इसकी आकृति कैसी होती है? नहीं दीदी। है ना, देखो ये एक वर्ग है, ये एक घन है, और इसके फलक कैसे हैं? वर्गाकार। ठीक है, अब इसको देखो, तुम उधर से गिनोगे अगर तो कितने तुम्हें छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं? दीदी, 9 दिख रहे हैं। 9 दिख रहे हैं।
इधर से देखोगे तो इधर से भी 9 दिख रहे हैं, इधर से भी 9 दिख रहे हैं, इधर से देखोगे तो दीदी इधर से भी 9 दिख रहे हैं, और इधर से, इधर से भी 9 दिख रहे हैं, इधर से भी 9, इसमें तो 9 ही दिख रहे हैं, इधर से, इधर से भी 9 दिख रहे हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है? हाँ दीदी। तो घन और घनाभ में खास अंतर ये है कि घनाभ के फलक आयताकार होते हैं और घन के फलक वर्गाकार होते हैं, और घन की सब कोरे समान होती हैं और घनाभ की सारी कोरे समान नहीं होती हैं। घन में 6 फलक 8 शीर्ष तथा 12 कोरे होती हैं। घन के फलक वर्गाकार होते हैं। डिब्बा देख रहे हो? हाँ दीदी। ये डिब्बा आप लोग देख रहे हो? डिब्बा दिख रहा है ये? अब इस डिब्बे को हम खोल देते हैं। देखिए, इसको हमने ऐसे खोल दिया और इसको हम इसके फलक को अलग अलग कर लेते हैं। ये देखो सारे फलक अलग अलग हो गए हैं। दीदी, अब एक फलक को दूसरे फलक के ऊपर रखते हैं। अरे वाह दीदी, ये तो नीचे वाला फलक तो बिल्कुल छुप ही गया है। ये फलक तुम लोग देखोगे एक दूसरे से छुप जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये फलक एक दूसरे के समान है। ठीक है, अब तुम लोग को समझ में आ गया अच्छे से? हाँ दीदी। हाँ दीदी, आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह तरह के उदाहरणों से आपको घन और घनाभ के बारे में बताया, और आप लोग भी अपने चारों तरफ तरह तरह की चीजों को देखते होंगे। आप उसमें से घन और घनाभ को पहचानो और अपने वातावरण से अपने ज्ञान को जोड़ के सीखने की कोशिश करो।